हे गाइस, अगर आप नए हैं चैनल के लिए तो सब्सक्राइब करना मत भूलेगा और साथ साथ हमारे बेल के आइकन को क्लिक करके आप हमारी आने वाली और सारी वीडियोस को देख सकते हैं। और याद रहे, अगर आपने बेल के आइकॉन को क्लिक नहीं करा तो आप हमारी आने वाली वीडियो को मिस कर देंगे। सो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे ई पाठशाला के चैनल पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम सभी क्लास 11 की हिस्ट्री जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो एज यूजुअल हमने पहला चैप्टर समय की शुरुआत से, फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द टाइम, ये चैप्टर आज हम इस लेक्चर के अंदर सीखेंगे। तो आप इस चैप्टर के अंदर पूरी तरीके से पढ़ेंगे द स्टोरी ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन, यानी कि मानव विकास की कहानी के बारे में। सबसे पहले कहाँ से जन्म हुआ था उसके बारे में हम जानेंगे और पूरी तरीके से इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानने की हम कोशिश करेंगे। सो मानव अस्तित्व की शुरुआत, बिगनिंग ऑफ द ह्यूमन एग्जिस्टेंस, लोगों का मानना, लोगों की फिलॉसफी। ऐसा कहा जाता है कि फर्स्ट मैन लाइक क्रिएचर ओरिजिनेट, पहला मनुष्य जिसकी शुरुआत लगभग 5.6 मिलियन ईयर्स अगो, यानी कि लगभग 56 लाख साल पहले हुई थी। ये वो व्यक्ति हैं जो ऐसा कहा जाता था कि मानव जैसा क्रिएचर हमें देखने को मिला था, यानी कि इससे भी पहले कभी इतिहास रहा होगा। चाहे 360 साल पुरानी बात ले लो, चाहे 240 साल पुरानी बात ले लो, ठीक है। तो यानी कि लाखों ईयर्स लगे हैं हमें दोस्तों अपने आप को इस लेवल तक बनाने के लिए। और उसके बाद ऐसा कहा जाता है कि जो मॉडर्न, यानी कि जो ह्यूमन मॉडर्न ह्यूमन जो आधुनिक मनुष्य था, उसकी उत्पत्ति ऐसा कहा जाता है 1,60,000 लगभग समथिंग ईयर्स अगो में हमारा जो मानव अस्तित्व था वो काफ़ी हद तक आ चुका था। सो आई होप यू गेटिंग दिस पॉइंट। यहाँ पर मानव अस्तित्व के बारे में बहुत तगड़ी तरीके से डिस्क्रिमिनेशन बना रखा है कि यहाँ पे फर्स्ट मैन लाइक बंदा 56 लाख साल पहले आया था और 1,60,000 साल पहले मॉडर्न, दैट मीन्स वो लोग जो उस समय पे ये समझ गए थे कि जानवरों का शिकार करना है, पेड़ पौधों से हमें खाने पीने की वस्तुएँ ढूंढनी हैं, बीज ढूंढने हैं, है ना। और उसके बाद इवन यहाँ तक ये लोग जान चुके थे कि भोजन को जुटाने का तरीका क्या हो सकता है, जबकि 56 लाख साल पहले लोगों को नहीं पता था। तो आई होप यू गेटिंग दिस पॉइंट। आगे बढ़ते हैं अब। तो अब यहां पे सोर्स टू अंडरस्टैंड अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री, यानी कि शुरुआती मनुष्य के स्रोत को समझने के लिए हमें क्या क्या सबूत मिले। सबूत हमें मिलते हैं ह्यूमन फॉसिल्स, ये क्या है आगे स्टडी करेंगे, केव पेंटिंग, उसके बाद स्टोन टूल्स और सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक्ट ऑफ क्रिएशन बाय गॉड। ऐसा कहा जाता है कि अगर मानव अस्तित्व में है तो दोस्तों कहीं ना कहीं इस पृथ्वी की संरचना भगवान के द्वारा हुई है और भगवान के द्वारा ही कोई सिलेक्टेड व्यक्तियों को इस ज़मीन पे भेजा गया होगा और उसके बाद इस तरीके से लोगों की पॉपुलेशन ग्रोथ हुई। देन फाइनली आज हमारे प्रेजेंट टाइम पे टोटल पॉपुलेशन कितनी है वो आपको पता ही है। शुरुआती मनुष्यों को समझाने के स्रोत क्या हो सकते हैं, तो आप ये चारों के चारों पॉइंट लिख सकते हैं और जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसे भी आप लिखेंगे। तो नंबर वन, अगर हम फॉसिल्स की बात करें तो आपको फॉसिल समझ में आता है। फॉसिल्स आर द रिमेन ऑफ इम्प्रेशन ऑफ द वेरी ओल्ड ह्यूमन विच हैड टर्न इनटू द स्टोन, यानी कि जीवाश्म एक ऐसे पुराने मानव का अवशेष हो सकता है जो बाद में काफ़ी लाखों साल चेंज होने के बाद पत्थर में तब्दील हो जाता है। दिस इज़ कॉल्ड द फॉसिल्स, जो ज़मीन की बहुत गहराइयों के अंदर हमें मिलता है और धीरे धीरे जब हमने स्कल्स ढूंढने चालू करे, धीरे धीरे हमने जब इनके स्टोन्स ढूंढने चालू करे, तो फिर हमें समझ में आने लग गया कि हाँ भाई, जो अभी ह्यूमन बीइंग हमें दिखाई दे रहा है उससे पहले भी ह्यूमन बीइंग कहीं ना कहीं था। एंड देन दूसरा, केव पेंटिंग। केव पेंटिंग एक ऐसा जरिया था जिसके माध्यम से हमें ये समझ में आया कि यूरोप और अफ्रीका की बहुत सी गुफाओं की दीवारों पे हमें ऐसी पेंटिंग जानने को मिलती है जिसने कभी अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री को समझाया होगा। ये केव पेंटिंग शायद से ये लोग इसलिए करते थे ताकि आने वाली पीढ़ी को समझाया जा सके कि कैसे शिकार करना है वगैरह वगैरह चीज़ें, जैसे कि हम लोग आज की डेट में अपनी चीज़ें सेव करके पेन ड्राइव में, हार्ड ड्राइव में, पता नहीं कहाँ कहाँ सेव करके रखते, ताकि इन फ्यूचर हम अपनी जनरेशन को दिखा सके कि इस समय क्या हो रहा था। ऐसे ही केव पेंटिंग एक सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन मान लीजिए, सोर्स ऑफ टेक्नोलॉजी मान लीजिए, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर देना चाहते थे। और ये सब केव पेंटिंग हमें ज़्यादातर यूरोप और अफ्रीका के इलाके में मिली। ये कहाँ कहाँ मिली थी बाकी हम डीपली और भी डिस्कशन करेंगे आगे जाके, तो उसके आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमें स्टोन टूल्स। स्टोन टूल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इसलिए माने जा सकते हैं क्योंकि स्टोन टूल की मदद से ही हम लोगों को ये पता चल पाया कि ये लोग कैसे शिकार करते थे।
तो स्टोन टूल्स मेड एंड यूज्ड बाय द अर्ली ह्यूमन अवेलेबल इन द वेरियस पार्ट ऑफ द अफ्रीका एंड द यूरोप। तो आपको स्टोन टूल्स दिखाई दे रहे हैं अफ्रीका और यूरोप के बहुत सारे हिस्से के अंदर ये मिलते हैं, और जैसे कि कंकड़ है, तेज पत्थर है, पत्थर के ब्लेड हैं, कितने सारे तरीके से आप देख सकते हैं इस इमेज के अंदर दिखाने की कोशिश करी गई है कि वो लोग उस समय पे ऐसे ऐसे इस्तेमाल करते होंगे। तो यानी कि अगर स्टोन टूल्स की बात करूँ मैं तो वेरियस पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करे जाते होंगे, शिकार करने के लिए, मांस को काटने के लिए, अपने प्रोटेक्शन के लिए, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। अब चौथी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है, लगभग 200 साल से देखा गया था कि जब इतिहासकार इन जीवाश्म चीज़ों को, पत्थरों को पकड़ रहे थे या ढूंढ रहे थे, तो उन्हें एक चीज़ तो क्लियर थी, उन्हें एक चीज़ ये क्लियर थी कि ये सारी चीज़ें अगर इतने टाइम पुरानी हैं तो शायद से भाई ऐसा कहा जा सकता है कि इससे पहले करोड़ों साल पहले पृथ्वी का निर्माण हुआ होगा, और अर्ली मनुष्य पेड़ पौधे से तो टपका नहीं है तो आया कहाँ से। तो कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि अगर मनुष्य की शुरुआत हुई है तो एक्ट ऑफ क्रिएशन बाय गॉड ही है वो, क्योंकि मनुष्य ऐसे ही नहीं बनाया जा सकता, ये सारी की सारी पावर सिर्फ और सिर्फ भगवान के पास ही है। तो मोस्ट स्कॉलर्स रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दैट दिस ऑब्जेक्ट वर रिमेन ऑफ अर्ली ह्यूमन। उन लोगों ने ये कहना चालू कर दिया कि वह इतने पुराने फॉसिल जो हमें मिल रहे हैं सही मायने में अर्ली ह्यूमन के है ही नहीं। क्यों? क्योंकि ऑल टेस्टिमेंट्स ऑफ बाइबल्स ह्यूमन ऑरिजिन एंड एक्ट ऑफ गॉड। तो भाई ऐसा कहा जाता है कि बाइबल के पुराने नियमों के अनुसार मानव मूल भगवान की दृष्टि और उसके संरचना का एक देन है, इसलिए हमें मानना पड़ेगा कि अर्ली ह्यूमन जो है वो भगवान के द्वारा बनाया गया था। तो इसकी अगर शुरुआत देखी जाए, अगर इसका इतिहास बैकग्राउंड देखा जाए, तो कहीं ना कहीं वो था नियंडर घाटी से। नियंडर घाटी आपको दिखाई दे रहा है जर्मनी के अंदर, ये नियंडर घाटी आपको दिखाई दे रही है, ये नियंडर घाटी, यहाँ से इसकी शुरुआत होती है। कैसे इसकी शुरुआत होती है? एक्चुअली एक स्कल मिला, एक ढांचा मिला हमें, कहाँ मिला? 1556 अगस्त के अंदर। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ज़रूरी है, ये 1 मार्क्स से क्वेश्चन के अंदर पूछी जाती है। अगस्त 1856 के अंदर नियंडर वैली के अंदर एक स्कल मिला, और वो स्कल किसका था? एक खोपड़ी की खोज हुई जो मानव के रूप में थी। सो इट वॉज अ टर्निंग पॉइंट ऑफ द हिस्ट्री की पहली जर्मनी के अंदर एक ऐसा फॉसिल्स मिलता है हमें, जो हमें बताता है कि सही मायने में ये हिस्ट्री का कितना इंपॉर्टेंट हिस्सा हो सकता है। नियंडर वैली के अंदर मिलने वाला बंदा है ये, तो यानी कि और भी जगह से ऐसे और स्कल्स मिलते होंगे। तो किया क्या गया इसके साथ? इसके साथ ये किया गया कि वहाँ पे जर्मनी के अंदर एक लोकल स्कूल मास्टर था, जिनका नाम उस समय पे क्या कहते हैं, स्थानीय स्कूल मास्टर, जो प्राकृतिक इतिहासकार के व्यक्ति थे, जॉन कार्ल फुल रोड, इनको बुलाया गया। और उसके बाद जब इनको बुलाया गया तो उसके बाद उनको ये स्कल सौंप दिया गया। अब कार्ल जॉन ने क्या कहते हैं, इस स्कल को देखा, समझा, और उसको बाद में रियलाइज़ हुआ कि सही मायने में भाई ये जो खोपड़ी हमें मिली है ना, ये जो हड्डियों के हमें स्तर पंजर मिले, सही मायने में ये हमारे नहीं हैं, ये सही मायने में आज से बहुत साल पुराने लोगों के हैं। तो उसने क्या करा, अब ज़्यादातर ये लोग क्या करते हैं, अपने सीनियर को दे देते हैं, इसलिए जर्मनी के अंदर ही एक शरीर रचनाकार व्यक्ति था जिसे मानव वैज्ञानिक बोलते हैं, उसको बुलाया गया, और उसको ही इसने क्या कहते हैं फिर उसका प्लास्टर कास्ट बना के उसने उसको दे दिया। सो इट वॉज दैट ये उसने बाद में फिर क्या कहते हैं मैगजीन के अंदर छापा अपने अगले ही वर्ष में, और ये बताया कि भाई सही मायने में ये जो स्कल हमें मिला है, सही मायने में खोपड़ी ऐसी है, एक मानव की ही खोपड़ी है जो अब अस्तित्व मानवीय है नहीं। तो इन सभी चीज़ों को लेकर विद्वानों के कान खड़े हो गए, यानी कि लोग इस चीज़ को स्वीकार ही नहीं कर रहे थे कि ऐसी कोई चीज़ है जो साइंटिफिक दावा कर रहे हैं कि ये जो स्कल मिला है हमें नियंडर वैली के अंदर, ये सही मायने में बहुत अलग है नॉर्मल इंसान की खोपड़ी से। ये टर्निंग पॉइंट जब बना, जब यहाँ पर चार्ल्स डार्विन ने, जो सबसे बड़े उस समय पे व्यक्ति माने जाते थे, 24 नवंबर 1859 के अंदर चार्ल्स डार्विन ने उस समय एक बुक लिखी, ऑन द ओरिजिन ऑफ द स्पीशीज। और उसने इस ऑन द ओरिजिन ऑफ द स्पीशीज के अंदर क्लियरली बात बोली कि उसने 1250 पेज के साथ इस बुक को छापा, और ये बुक ऐसी थी जो हाथों हाथ ये बुक बिक गई। और चार्ल्स डार्विन ने इसके अंदर दलीलें दी। क्या दलीलें दी? रिकमेंडेशन ये दी कि भाई सही मायने में मानव इतिहास जो है वो जानवरों से ही बना है। सो दैट इज़ वाई फिर यहाँ से स्टार्ट होती है द स्टोरी ऑफ द एवोल्यूशन।
जब लोगों ने चार्ल्स डार्विन की किताबें पढ़नी चालू करी तो लोगों को विश्वास हो गया कि हाँ, सही मायने में अर्ली मनुष्य थे और अब हमें उन्हें ढूंढना चालू करना पड़ेगा। सो नाउ अब हम पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंट स्टेजेस ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन के बारे में। इसके बारे में हम जानेंगे कैसे कि अर्ली मनुष्य बंदर से पूरी तरीके से इंसान बन पाया था, उसके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, ये स्टेजेस है जिसके बारे में आपको जानने की ज़रूरत है कि सबसे पहले प्राइमेट कैटेगरी, जो लगभग 360 लाख साल पहले अस्तित्व में आई थी। उसके बाद होमिनॉइड कैटेगरी, जिसको 240 लाख साल पहले ही अस्तित्व में आए होंगे। एंड देन होमोनिड कैटेगरी, जो लगभग 56 लाख साल पहले अस्तित्व में आए थे। तो ऐसा कह सकते हैं कि जितने लाख साल पुरानी इसकी उम्र घटती जा रही है, उससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ह्यूमन जो है काफ़ी हद तक समझदार होना चालू हो गया था। और मॉडर्न ह्यूमन तो लगभग 1,60,000 ईयर्स अगो, इस समय पे इन लोगों ने काफ़ी तरीके से हथियार बनाना, काफ़ी तरीके से शिकार करना सीख लिया था। सो लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइमेट्स एंड देयर फीचर्स। तो आपको जैसे मैंने बता दिया कि मानव का विकास जो है काफ़ी हद तक कहीं ना कहीं प्राइमेट से ही हुआ था, तो इसीलिए ऐसा कहा जा सकता है कि लगभग 360 लाख साल पहले ये लोग अस्तित्व में थे। अब प्राइमेट जो है इनके बहुत एक ऐसी लंबी कैटेगरी थी, एक ऐसे लार्ज ग्रुप ऑफ मैमल्स थे जिसमें कहीं ना कहीं बंदर भी थे, वानर भी थे और मनुष्य भी इसके अंदर शामिल थे। क्यों? ये स्तनधारियों को ऐसा समझ, जिनके शरीरों पे बाल होते थे। तो बंदर भी है, मनुष्य भी है, सबके शरीरों पे बाल होते थे। लेकिन उस समय प्राइमेट की कैटेगरियाँ क्या होती होंगी? तो प्राइमेट की खासियत होती थी उनके शरीर पे बाल होते हैं। उसके बाद ये पूरी तरीके से जो महिला है उनके शरीर के अंदर जो ग्रंथियाँ होती है बेबीज को पैदा करने की, वो थी इन लोगों के पास। और आज की डेट में 9 महीने तक बच्चे को पेट में रखा जाता है, लेकिन उस समय पे बर्थ की जो कंडीशन थी वो काफ़ी लंबे समय तक ही पेट में रखने की। सबसे खासियत उस समय पे इन मैमल्स के बीच में जो इनके शरीर का टेम्परेचर था वो बदलता रहता था अपनी क्षमता के हिसाब से। तो ये खासियत थी प्राइमेट्स के लोगों की। अब उसके बाद डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ्स भी इनके पास होते थे। एंड देन अब समय बीता। अब देखिए दोबारा से उस पर आ जाइए। हमने कहा प्राइमेट है, प्राइमेट की कैटेगरी 360 लाख साल पुरानी थी जब वो अस्तित्व में थे। उसमें से एक ग्रुप निकला जिसे होमिनॉइड बोला गया, एंड देन उसमें से एक ग्रुप निकला जिसे होमोनिड बोला गया। लेकिन लगभग 56 लाख साल तक होमोनिड की कैटेगरी आ चुकी थी। तो होमोनिड और होमोनाइड काफ़ी कुछ इनके अंदर सिमिलैरिटी भी देखने को मिलती है, और ये टाइम पीरियड आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जहाँ पे ये 24 लाख मिलियन ईयर्स अगो लिखा है, इसका मतलब 240 लाख है। 5.6 मिलियन ईयर्स अगो लिखा है, इसका मतलब ये 56 लाख है। इसी के बीच प्राइमेट के बीच में एक उपसमूह उभरा जिसे होमिनॉइड बोला गया, यानी कि ये वाला ग्रुप बोला गया होमिनॉइड। अब होमिनॉइड ग्रुप जो है उसे हमें समझना है। एंड देन उसके बाद 56 लाख साल से 1,60,000 साल के बीच में एक नया ग्रुप आया जिसे होमिनिड बोला गया। तो होमिनिड और होमोनॉइड दोनों में काफ़ी सिमिलैरिटी देखी गई, और छोटा मोटा डिफरेंट नहीं है, लाखों साल का डिफरेंट हमें इनके बीच में देखने को मिलता है। अब दोनों के डिफरेंट से समझेंगे तो आपको काफ़ी हद तक समझ में आ जाएगा। अब होमिनिड और होमिनॉइड दोनों में अंतर क्या है? सबसे पहले होमिनॉइड देखते हैं। होमिनॉइड लोग, इनका छोटा दिमाग होता था, इनके शरीर का टेम्परेचर बदलता था, इनकी पूंछ नहीं होती जबकि प्राइमेट्स की पूंछ होती थी। ये लोग उस समय पे चार पैरों पे चलते थे। लेकिन इनका अस्तित्व कब आया? 240 लाख मिलियन ईयर्स अगो, यानी कि 24 लाख मिलियन ईयर्स अगो, हिंदी बोलेंगे तो 240 बोलेंगे। इस समय होमिनॉइड जो है वो अस्तित्व में आए थे। लेकिन होमिनिड्स का मस्तिष्क जो था, दिमाग जो था, इनके कंपैरिजन में बड़ा था। इनका छोटा था, इनका बड़ा था। ये सीधे होकर दो पैरों पर चल सकते थे जबकि ये लोग चार, मतलब दो हाथ और दो पैरों के बल चलते थे, है ना। और क्योंकि जब ये लोग सीधे दो पैरों पे चलना चालू कर दिया था इन लोगों ने, तो सिंपल सी बात है फिर इनका दिमाग विशेष किस्म के हथियार बनाने में और हाथ जो है दूसरे कामों में इस्तेमाल होना चालू हो गया था, औजार बनाना, शिकार करना। तो इस तरीके से ऐसा कहा जा सकता है कि होमिनॉइड और होमिनिड दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है।
अब बात करें अगर हम होमिनिड के बारे में, तो होमिनिड जो है वैसे तो हमें पता चल गया कि कहाँ से अस्तित्व में आए थे ये। तो होमिनिड ऐसा कहा जाता है कि उस समय पे एक कैटेगरी हुआ करती थी, एक फैमिली हुआ करती थी जिससे ये बिलोंग करते थे। होमिनिड एक फैमिली नामक परिवार के ये लोग सदस्य होते थे और सभी मानव रूप की प्रणाली इनके अंदर देखी गई थी। यानी कि जब 56 लाख साल पहले मानव अस्तित्व में आया था तो ये होमी निड ही थे जो उस समय पे अस्तित्व में आए थे, और इन्हीं को ही बोला गया अर्ली मनुष्य जो उस समय पे अस्तित्व में आए। और सबसे पहले वीडियो के पार्ट में हमने यही जानने की कोशिश करी थी कि 56 लाख साल पहले यही लोग अस्तित्व में आए थे, क्योंकि यही पूरी तरीके से मानव की तरह दिखने वाले ऑल फॉर्म्स में आ चुके थे। अब होमिनिड, एक चीज़ तो क्लियर हो गया था कि होमिनिड जो है वो होमिनॉइड से बहुत ज़्यादा दिमागदार हैं, ठीक है। तो इस वजह से अब देखते हैं कि होमिनिड्स जो लोग हैं अब उनमें कैसे कैटेगरियाँ डिवाइड हो रही है। तो होमिनिड्स आगे चल के बहुत सारी शाखाओं में यानी कि अपने जीन्स में विभाजित होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए होमिनिड देख लेते हैं, होमिनिड्स होमो के अंदर और एस्टेलोपैथिकस के अंदर डिवाइड होते हैं। यानी कि अब होमिनॉइड जो है उनकी तो कोई कैटेगरी रह ही नहीं गई, वो तो बहुत पुराने हो गए, क्योंकि होमिनॉइड जो थे वो 240 लाख साल पुराने थे और ये जो होमिनिड्स हैं ये 56 लाख साल पुराने हैं। तो 56 लाख साल पुराने दैट इज़ वाई इनकी कैटेगरी बढ़ गई होमो और होमो एस्टेलोपैथिकस, है ना। तो दोनों की विशेषताएं जानते हैं क्या है। तो एस्टेलोपैथिकस का मतलब क्या होता है सबसे पहले ये जानिए। एस्टेलोपैथिकस शब्द जो है एस्टेलो से लिया गया है जिसका अर्थ है दक्षिण, और पिथिकॉस का मतलब होता है एप, जिसका पूरा अर्थ का मीनिंग हो जाता है दक्षिणी बंदर। दक्षिणी बंदर जो कभी होमिनिड की कैटेगरी थी दक्षिणी बंदर, तो उसी के बारे में हम जानेंगे। अब इनकी खासियत ये थी कि इनके शरीर के अंदर कहीं ना कहीं भी बंदरों के जो फीचर्स थे ना वो बने रहे थे, दैट इज़ वाई पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो पाए। उनके पास छोटे मस्तिष्क के आकार दिमाग तो थे लेकिन इनका जबड़ा भारी था, बड़े दांत थे। और उसके साथ साथ ये कहाँ पे पाए गए थे, पूर्वी अफ्रीका के अंदर जगह है, आप कैसे प्रनाउंस करेंगे आप इसे देख लीजिए, यहाँ पर इनके जीवाश्म मिलते हैं। आपके टेक्स्ट बुक के अंदर इसका इमेज भी दिखाया हुआ है जहाँ पर इसके जीवाश्म मिलते हैं, ठीक है। एंड देन फिर उसके बाद ये कब की बात है, 56 लाख मिलियन ईयर्स अगो की ही बात है। क्यों? क्योंकि है तो ये होमिनिड की ही कैटेगरी ना। अब बात करते हैं होमो के बारे में। तो होमो जो है वो होमिनिड्स की ही कैटेगरी है। तो होमो जो है एक लैटिन शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ मनुष्य है। अब होमो के अंदर मैन एंड वुमेन दोनों आ सकते हैं, क्योंकि वैज्ञानिकों ने माना है कि होमिनिड्स जो है उसकी कैटेगरी मेंस एंड वुमेन्स दोनों में हो सकती है। तो अभी हम जितनी बात कर रहे हैं होमिनिड्स, होमिनाइड्स, एस्टेलोपैथिकस या होमो, इसके अंदर पूरी तरीके से सारे के सारे वो लोग हो सकते हैं, मेंस एंड वुमेन्स दोनों। तो होमो का बड़ा दिमाग था जबकि एस्टेलोपैथिकस का छोटा दिमाग था, और उसके बाद जबड़े बाहर की ओर कम थे यहाँ पे, और इनके जो छोटे दांत हुआ करते थे उस टाइम पीरियड पे जबकि उनके बड़े दांत हुआ करते थे। तो ये होमो की खासियत थी। और ये अब देखो और समय बीत गया, यानी कि जहाँ 56 लाख साल पहले होमो निट्स जो थे वो 56 लाख साल पहले अस्तित्व में आए थे, लेकिन होमिनिड्स जो हैं वो 25 लाख साल पुराने हो गए। यानी कि कम से कम हमने 25 लाख का सफ़र वैसे ही तय कर दिया। तो 25 लाख साल के अंदर मनुष्य में बदलाव हुए और होमो एक नई कैटेगरी बनी होमोनिड्स के अंदर से। एंड देन उसके बाद फिर हमने देखा कि जब इन लोगों ने दो पैरों से चलना चालू कर दिया तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म बन पाया, क्योंकि अब जो बंदे दो पैरों से चल पा रहे हैं तो उन लोगों ने शिशु या वस्तुओं को ले जाने के लिए अपने हाथों को मुक्त कर दिया, और फिर अपने बच्चों को और कोई भी सामान दो हाथों से ले जाने के लिए लोग काफ़ी हद तक सक्षम हो चुके थे। एंड देन उसके बाद फिर ये लोग क्या कहते हैं, शिकार करने के लिए इनको कम ऊर्जा लगती थी, शिशु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए, उपकरण को बनाने के लिए, चीज़ों का इस्तेमाल करने के लिए इनके हाथ जो है काफ़ी हद तक यूज़ होने चालू हो गए। अब इन लोगों ने दो, जब ये चार पैरों से चलते थे तो लंबी यात्रा नहीं कर पाते थे, जब ये दो पैरों से चलना चालू करे तो इन्होंने भागना चालू कर दिया, पैदल यात्राएं करनी चालू करी, भोजन की तलाश करनी चालू कर दी, जानवरों को खोजना चालू कर दिया, और दूर तक निगाहें रखने की इनकी क्षमताएं हो गई थी। तो होमो की कैटेगरी 25 लाख साल तक आ चुकी थी, जिसमें हमने देखा था कि काफ़ी हद तक मनुष्य जो है 25 लाख साल
के अंदर काफ़ी डेवलप होना चालू हो गया था। इसमें मैन एंड वुमेन दोनों हैं, लेकिन होमो की भी कैटेगरी बनी, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस एंड होमो शेपियंस। अब देखो ये 25 लाख साल पुराने होमो, लेकिन जब होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस और होमो शेपियंस आएंगे तो ये और ज़्यादा अब क्या कहते हैं जीरो के करीब आते जाएंगे। कैसे? सबसे पहले होमो हैबिलिस, होमो हैबिलिस वो लोग होते थे जो उस समय पे औजार बनाया करते थे, और ये लोग ज़्यादातर कहाँ पाए गए थे? इथोपिया और उसके बाद ईस्टर्न अफ्रीका के अंदर इनके फॉसिल जो हैं देखने को मिले थे। इनका टाइम पीरियड, अब क्योंकि ये 25 लाख साल पुराने थे तो देखो इनका टाइम पीरियड हो गया 22 लाख साल पुराने। देन होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस सीधे दो पैरों पे खड़े चलने वाले व्यक्ति थे होमो इरेक्टस, और ये पूरी तरीके से अफ्रीका और एशिया के इलाकों में इनके फॉसिल्स मिले और ये लगभग 18 लाख साल पहले अस्तित्व में आ गए थे। तो देखो इसमें समय और घट गया है ना। और उसके बाद होमो शेपियंस जो हम लोग हैं, होमो शेपियंस जो है चिंतनशील मनुष्य हैं। चिंतनशील मनुष्य जो है उसका कहने का मतलब ये है कि अगर समाज में कुछ भी बदलाव हो रहा है तो वो क्यों बदलाव हो रहा है, कैसे बदलाव हो रहा है ना, ये वो लोग थे। अब ये अफ्रीका, एशिया और यूरोप बहुत ज़्यादा इलाकों में पाए गए, और ये भी लगभग 18 लाख साल पहले ही पाए गए थे। तो 18 लाख साल पहले तक हमने सफ़र तय कर लिया है दोस्तों, और हमने पढ़ना स्टार्ट करा था प्राइमेट से, और उसके बाद हमने होमिनॉइड पढ़ा एंड देन होमिनिड्स पढ़ा, और होमिनिड्स की कैटेगरी पढ़ने के बाद फिर हमने होमो और एस्टेलोपैथिकस पढ़ा, और होमो की कैटेगरी फिर हमने तीन हिस्सों में पढ़ी। सो दोस्तों इस तरीके से आपको ये अंदाज़ा लग गया होगा कि कैसे हम लोगों ने अपनी कैटेगरी को डिवाइड करा और धीरे धीरे डेवलपमेंट करना चालू कर दिया। तो दोस्तों अभी तक आपने ये देख लिया कि कैसे हमने 360 लाख साल ईयर्स हम पीछे प्राइमेट्स के बारे में पढ़ रहे थे, 360 लाख साल, और हम लोग 18 लाख साल पुरानी बात में आ गए। अब यहाँ पे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे जो होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस और होमो शेपियंस, ये तो होमो की कैटेगरी थी, लेकिन दो कैटेगरियाँ और भी हमें देखने को मिलती है, वो है हमारी होमो हिंडल बर्गिस एंड दूसरा होमो निरेंडियस। तो होमो निरेंडियस और होमो हिंडल्स जो है उन्हें बाद उन्हें जानने की भी हमें ज़रूरत है। इन्हें कौन, इन्हें क्या कहा जाता है? होमो हिंडल बर्गिस जो है वो, उनके बारे में हम कैसे, क्योंकि इनके भी जीवाश्म जो है काफ़ी हद तक हमें जानने को मिले थे। यूरोप के इलाके में जब होमो शेपियंस के फॉसिल्स को ढूंढा जा रहा था तो उस समय जर्मनी के अंदर भी हिंडनबर्ग के इलाके के अंदर ही इनके फॉसिल्स पाए गए थे। तो जर्मनी के अंदर हिंडनबर्ग के अंदर ये फॉसिल्स पाए गए थे, दैट इज़ वाई इसे होमो हिंडल बर्गिस कहा जाता है। तो क्योंकि जर्मनी के अंदर पाए गए हैं तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि जर्मनी के अंदर, जर्मनी का इन्हें नाम दिया गया है। और दूसरा जो फॉसिल्स हमें पाया गया था वो भी हमें जर्मनी के अंदर ही पाया गया था, जिन्हें होमो निरेंडलिस बोलते हैं। निरेंडलिस जो है वो जर्मनी के अंदर ही है, निरेंडर घाटी के अंदर पाए जाने वाला होमो की ही कैटेगरी का ये एक ऐसा फॉसिल था जो उस समय मिला था। और फाइनली साइंटिस्ट ने इसको पाया कि हाँ सही मायने में ये लोग क्या कहते हैं अफ्रीका, यूरोप और एशिया के ऐसे इलाकों के अंदर भी ऐसे फॉसिल्स जानने को हमें मिलते हैं। तो दोस्तों ये दोनों पार्ट मैंने आपको इसलिए बताए हैं क्योंकि अभी आगे वीडियो में आएगा कि होमो निरेंडलिस और होमो हिंडल्स जो हैं उन दोनों में फ़र्क क्या है और इनका इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है और इतिहासकार ने इनका इस्तेमाल कैसे किया होगा। अब अर्ली साइंटिस्ट ये मानते हैं कि क्या जो वुमेन्स, क्या ये जो होमो थे या जो ये जो ह्यूमन बीइंग थे या जो मॉडर्न इंडियन के ये जो लोग थे, उस समय पे जो ह्यूमन बीइंग हमें देखने को मिलते हैं तो वो कहाँ से अस्तित्व में आए होंगे, यानी कि आधुनिक जो मानव है उनके विषय के बारे में लोगों के टू ओपिनियन हैं। वो टू ओपिनियन यही देखने को मिलते हैं कि या तो ये रिप्लेसमेंट मॉडल के थ्रू एशिया, अफ्रीका और यूरोप के बहुत सारे हिस्सों में पाए गए होंगे, या ये क्षेत्रीय निरंतरा मॉडल यानी कि रिलीजियस क्वांटिटी मॉडल के तहत एक स्थान से दूसरे स्थान पर आएंगे। तो ये आपकी किताबों के अंदर ये इमेज बनी हुई है और बच्चों को बहुत दिक्कत होती है समझने में कि रिप्लेसमेंट मॉडल एंड रिलीजन क्वांटिटी मॉडल इन दोनों में अंतर क्या है। तो सिंपल सा मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने चाहे होमो पढ़ा हो, चाहे होमो शेपियंस पढ़ा हो, चाहे होमो इरेक्टस पढ़ा हो, चाहे आपने एस्टेलोपैथिकस पढ़ा हो, चाहे आपने प्राइमेट्स पढ़े हो, चाहे आपने होमोनॉइड पढ़ा हो, चाहे आपने होमोनिड पढ़ा हो, कुछ भी पढ़ा हो, वो सारे के सारे उन सभी के ऊपर साइंटिस्ट का यही मत है कि रिप्लेसमेंट मॉडल का मतलब होता है या तो वो एक स्थान पर पैदा हुए होंगे जो या तो वो अफ्रीका में या वो यूरोप में या तो वो एशिया के अंदर, इन्हीं तीन कॉन्टिनेंट
कॉन्टिनेंट के अंदर वो पैदा हुए होंगे। और रिलीजियस क्वांटिटी मॉडल का मतलब होता है या तो वो मल्टी रिलीजन ओरिजन होंगे, यानी कि या तो वो अलग अलग जगहों पे पैदा हुए होंगे। तो अगर वो सिंगल जगह पे पैदा हुए होंगे तो बाद में माइग्रेट करे होंगे, और दूसरा अगर वो क्या कहते हैं मल्टी रिलीजन होंगे तो अलग अलग स्थानों पर पैदा होंगे। क्यों? क्योंकि जो अभी हमने होमो सेपियंस, होमो निड्स और होमो इरेक्टस देखे, उनका मैंने आपको दिखाया था कि उनके फॉसिल्स एक जगह ही हमें नहीं मिले, हमें उनके फॉसिल्स अलग अलग जगह मिले। तो साइंटिस्ट का यही मानना है कि अगर फॉसिल्स अलग अलग जगह मिले हैं तो क्या ये लोग ट्रैवलिंग करते वक्त दूसरी जगह पे चले गए थे, या क्या ये लोग पैदा ही वहीं पे हुए थे। तो इसके ऊपर साइंटिस्ट का एक मत नहीं है, दैट इज़ वाई ये इसीलिए जो थ्योरी है, दो थ्योरी जो है वो हमारे सामने निकल के आती है कि रिलीजियस क्वांटिटी मॉडल और रिप्लेसमेंट मॉडल दोनों में अंतर क्या है। तो अंतर समझ लेते हैं, पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता ही आता है ये। तो सिंगल रिलीजन ओरिजिन या मल्टी रिलीजन ओरिजिन, इन दोनों में अंतर क्या है? तो रिप्लेसमेंट मॉडल ये बताता है कि शायद से मनुष्य जो था वो अफ्रीका, एशिया या यूरोप के एक ही हिस्सों में पैदा हुआ होगा, लेकिन उनको लगता है सिर्फ अफ्रीका के अंदर ही पैदा हुआ होगा। दूसरा, इन्होंने कहा था जिस तरीके से जो पुरातत्व ह्यूमन थे, यानी कि जो 360 मिलियन ईयर्स अगो पहले अस्तित्व में आए थे, उन्होंने ही मॉडर्न ह्यूमन की जगह ली होगी और वो एक ही जगह पे रहे होंगे। क्योंकि वो एक ही जगह पे रहे होंगे इसीलिए वहाँ पे जेनेटिक और जो शारीरिक जो वो देखी जाती है स्ट्रक्चर शरीर का, वो सेम देखने को मिला था, इसीलिए काफ़ी हद तक उनके अंदर एक ही जगह पे पैदा होने की वजह से यहाँ पे सिमिलैरिटी देखने को मिलती है। जबकि रिलीजियस क्वांटिटी मॉडल ये नहीं बोलता है, वो बोलता है कि मनुष्य दुनिया के बहुत अलग अलग हिस्सों में इन्वॉल्व हुआ होगा, यानी कि डेवलप हुआ होगा। उनके अनुसार क्या कहते हैं, जो आधुनिक मनुष्य है, यानी कि जो एट मॉडर्न टाइम का जो पीरियड है, उन्होंने सुविधाओं के हिसाब से अपने आप को डेवलप किया होगा। और जबकि एक सीधा सीधा एग्जाम्पल हमें, अभी मैंने आपको बताया था ना, ये एग्जाम्पल हमें आगे सीखने को मिलेगा, वो यही है कि ये भी जर्मनी के अलग अलग हिस्सों में पैदा हुए, दैट इज वाई इनके अंदर डिससिमिलैरिटी हमें देखने को मिलती है कि होमो हिंडल बर्गिस जो थे वो अलग थे और होमो निरैंडिस जो थे वो अलग थे, क्योंकि इनके अंदर जो अंतर थे ना वो असमान थे काफी हद तक। तो दैट इज़ वाई मल्टी रिलीजन ओरिजिन और सिंगल रिलीजन ओरिजिन में बहुत ज़्यादा अंतर हमें देखने को मिलता है। पेपर के अंदर एग्जामिनर आपसे 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है, जो आप ये सेम लिख के आंसर दे सकते हैं। अगर आप हिंदी में तो आप हिंदी में लिखिए, और अगर आप इंग्लिश में तो आप इंग्लिश में लिखिए। दोस्तों, नोट्स की जो बात है, नोट्स भी आपको कुछ समय बाद प्रोवाइड करे जाएंगे। हमारा जो वेबसाइट, आपको नोट करनी है, या तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, और या तो आप ई पाठशाला जो ब्लॉग है वो blog.com, ये हमारी वेबसाइट है, इस वेबसाइट से आपको आने वाले समय में नोट्स भी मिलेंगे, जो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको मिल जाएगा, और आने वाले समय में सारी वीडियो के अंदर ये लिंक मिलेगा, ताकि आप आसानी से अपने PDF फाइल या नोट्स जो हैं वेबसाइट से फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकें। अब आगे चलते हैं, अब समझते हैं कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कोई भी हो, तो जब अर्ली मनुष्य आ चुका था, जब शुरुआती समय में इनको खाने की ज़रूरत पड़ रही होगी, तो ये लोग खाना कैसे इकट्ठा करते होंगे? गैदरिंग, हंटिंग, स्केविंग एंड फिशिंग, यही 4 तरीके हैं। नंबर वन है गैदरिंग, यानी कि इकट्ठा करना, यानी कि अर्ली मनुष्य जो था ना उस समय पे बीज, नट, जामुन, फल, कंद और बहुत टाइप्स के जो पौधे होते थे ना, वो सब इकट्ठा करता था। उस समय लोग ग्रुप्स में जाते थे, एक काफ़ी दूर दूर तक ये लोग इकट्ठा करते थे। बूढ़े बुजुर्गों का काम होता था ये सब इकट्ठा करना, बच्चों का काम होता था, यानी कि मेन का काम होता था शिकार करना, और जबकि वुमेन का काम होता था ये सारी चीज़ें इकट्ठा करना। इस तरीके से क्या कहते हैं, खाने पीने की वस्तुएँ काफ़ी आसानी से समाज के अंदर उपलब्ध हो जाती थी, और जो सर्वाइविंग लाइफ था इनका काफ़ी हद तक क्या कहते हैं ठीक था। ठीक है, तो एक तो ये तरीका था संग्रहण, यानी कि इकट्ठा करना, जैसे गैदरिंग बोलते हैं हिंदी में। अभी बहुत कुछ हो सकती है, कुठलियाँ हो सकती हैं, मूली हो सकती है, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें। दूसरा, इनका काम होता था स्केविंग करना। स्केविंग मतलब होता है अपमार्जन करना, अपमार्जन हिंदी में बोलते हैं इसे, और वैसे तो मैंने लिखा हुआ है सफाई करना। अपमार्जन करने का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कि कोई भी अर्ली मनुष्य था, वो उन जानवरों के मांस को
छिन भिन कर देता है या काट कर अलग कर देता है, जैसे या तो किसी शिकारी ने मार के छोड़ दिया होगा या खुद मर गए होंगे। तो इस तरीके से आपको इमेज के थ्रू भी दिखाई दे रहा है कि इन लोगों ने कैसे, क्या कहते हैं, मनुष्यों ने कैसे जो एनिमल्स हैं उनको खाना चालू करा होगा। और इस तरीके से क्या कहते हैं, वो बहुत छोटे छोटे मैमल जैसे कि बर्ड्स हैं, रेप्टाइल्स हैं और ऊँट है, पता नहीं क्या क्या होता होगा जो जो उस समय पे समाज के अंदर होता होगा, उन सब के काट पीट के क्या कहते हैं अपने भोजन जुटाने का तरीका इन लोगों के पास था। दूसरा, अब हम चलते हैं हंटिंग की तरफ। तो हंटिंग लगभग क्या कहते हैं, ऐसा कहा जाता है कि 50,000 साल पहले चालू हुई होगी और ये लोग क्या कहते हैं योजना बनाकर शिकार करते होंगे। और इसके कहीं ना कहीं सबूत भी मिलते हैं हमें, जैसे सबूत मैं आपको दिखाना चाहूँगा इंग्लैंड के बॉक्सो ग्रेव के अंदर। ये आपको इमेज दिखाई दे रही है इंग्लैंड के बॉक्सो ग्रेव के अंदर, ये आपके चेकोस्लोवाकिया रिपब्लिक के अंदर, जर्मनी के अंदर आपको दिखाई दे रहा है ना। ये वो जगह है जहाँ पे उस समय पे शिकार हुआ करते थे। तो दोस्तों ये आपके मैप में भी फिल करने के लिए आता है। और उस समय पे ऐसा कहा जाता है कि उस समय यही प्लेस थी जब यहाँ पे लोग क्या कहते हैं शिकार करने के लिए दूर दूर तक आ जाया करते थे। तो इधर फॉसिल्स मिले थे इसलिए इन्होंने कहा कि भाई इस समय ये लोग प्लानिंग करके हंटिंग किया करते थे। एंड देन दूसरा है यहाँ पे फिशिंग करना, जिससे ये लोग अपना खाना प्राप्त करते होंगे। फिशिंग एक ऐसा जरिया था जिसका सबूत हमारे फॉसिल्स, हमारे इतिहासकर्ताओं ने, आर्कियोलॉजिस्ट ने ढूंढा और कहा कि इस समय तक क्या कहते हैं, जिस समय 50,000 साल तक लोगों ने हंटिंग करने स्टार्ट कर दी होगी, तो लगभग क्या कहते हैं 35,000 ईयर्स अगो यानी कि 35,000 साल पहले ऐसा कहा जाता है कि इन लोगों ने फिशिंग भी करनी चालू कर दी। क्यों? क्योंकि फ़िशिंग के लिए उस समय औज़ारों की ज़रूरत पड़ती थी और औज़ार उस समय तो एकदम से बनने चालू नहीं होंगे। तो आपको दिखाई दे रहा है एक बंदे ने कैसे पानी के अंदर ये मारा और मच्छी मर गई ऐसे। तो ये दिमाग लगाना और ये औज़ार बनाना उस समय लगता था। तो दैट इज़ वाई फ़िशिंग भी एक ऐसा जरिया जिससे वो लोग अपना भोजन जुटाया करते थे। सो नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ फ्रॉम द ट्री टू केव एंड द ओपन ईयर साइड, यानी कि पेड़ों से गुफाओं और ओपन ईयर साइड तक। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि प्राइमेट जो थे 360 लाख साल पहले अस्तित्व में आए होंगे। तो सिंपल सी बात है, उस समय वो लोग पेड़ों पे ही रहा करते होंगे। एंड देन होमिनॉइड और होमिनिड्स आए थे और उसके बाद फिर होमिनॉइड और होमिनिड्स जब आए थे तो उसके बाद उन्होंने गुफाओं में रहना। एंड देन उसके बाद जब मॉडर्न ह्यूमन आ गया था तो मॉडर्न ह्यूमन ने कैसे ओपन ईयर साइट के अंदर अपने आप को इस्टेब्लिश करना चालू करा था, जैसे कि अपस्केविंग करना, हंटिंग करना, वो ओपन ईयर साइट में ही हो सकता था और कहीं कहीं उनके टेम्प्रेरी हाउस भी जो है हमें देखने को मिलते हैं। तो ऐसा ही सेम सबूत हमें उदाहरण के रूप में मैं आपको दिखाना चाहूँगा। कुछ ऐसे सबूत हमें प्राप्त होते हैं कि जहाँ से हमें ये पता चलता है कि लोग उस समय पे क्या कहते हैं रहने के लिए ऐसे स्थानों का यूज़ करते होंगे। जैसा कि अब यहाँ पे एक रैंडमली एग्जाम्पल बताया हुआ है केन्या के बारे में। केन्या के अंदर एक जगह है जैसे ये लोग किलोंगा एक जगह है जहाँ पे ये इसके सबूत मिलते हैं, क्योंकि अभी हमने देख लिया कि कैसे 35,000 साल पुराने टाइम पीरियड तक हमने औज़ार के सबूत भी देख लिए थे कि कैसे लोग औज़ारों के साथ फिर फिशिंग करने चालू कर देते थे। तो ऐसा ही सेम टू सेम हमें यहाँ पे एक सबूत मिलता है किलोंगा के अंदर, जो केन्या के अंदर है। और यहाँ पर औज़ार जो है ऐसा बताया जाता है, ये औज़ार आपको जो ये फॉसिल्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये उनके औज़ार हैं। ये औज़ार लगभग क्या कहते हैं 60,000 से 70,000 साल पुराने यहाँ पे क्या कहते हैं बताए जाते हैं ये औज़ार यहाँ पे जो बने हुए हैं। तो यहाँ पे जब ये औज़ार मिले तो इससे एक अंदाज़ा तो ये हो जाता है कि लोग उस समय पे एक जगह पे औज़ारों को इकट्ठा करने के लिए आते होंगे और उसके बाद फिर यहाँ पे जो भी अपना सामान बनाना, काम करना वगैरह वगैरह ये लोग यहाँ पे काम करते होंगे। अगर सपोज़ मान लीजिए कि लोग अगर यहाँ पे औज़ार बनाते होंगे तो सिंपल सी बात है ये लोग वहाँ पर अपने सामान को भी छोड़ देते होंगे। जैसे एग्जांपल के लिए जमा की गई जो आर्टिफैक्ट चीज़ें होती थी वो यहाँ पे जमा हमें मिली थी। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति अगर यहाँ पे औज़ार बनाता है तो उससे रिलेटेड जो छूटी हुई चीज़ें होती थी वो सेम टू सेम यहाँ पे पड़ी हुई हमें मिलती थी, है ना। और ऐसा ही सेम टू सेम हमें आर्टिफैक्ट जो है वो दिखाने की ये कोशिश करते हैं कि मानव के द्वारा जो भी निर्मित वस्तुएँ होती है ना,
उसमें कई चीज़ें शामिल हो सकती है, जैसे औजार हो गया, पेंटिंग हो गई है ना, उसके बाद ये काफ़ी एक्सकेविंग चीज़ें हो गई। तो ये जो इमेज आपको दिखाई देने की कोशिश करा रहा हूँ मैं, वो मैं दिखाई देने की कोशिश करा रहा हूँ कि होमिनिड इन द ट्री एंड अदर्स प्राइमेट ऑन द ट्री है ना। और उसके बाद यहाँ पे हड्डियाँ मिल रही है, कटिंग स्कल मिल रहे हैं, च्यूइंग चीज़ें मिल रही है, बोन्स मिल रहे हैं। ये सब एक ऐसी जगह हो सकती है जहाँ पे लोग इकट्ठा होते होंगे, और इकट्ठा होने के बाद सामान को काटना, चीरना, फाड़ना, ये सब यहाँ पे देखने को मिलता। ये वो इलाके हो गए जहाँ पे ओपन एयर साइड हो गई, तो ओपन एयर साइड में हमें ये देखने को मिलती थी। ये स्थान ऐसे भी माने जा सकते हैं कि शायद से यहाँ पे लोग कम यात्रा करते होंगे। और सेम टू सेम ऐसा ही एक और एग्जांपल हमें देखने को मिलता है, जो क्या कहते हैं, यहाँ पर 40,000 से लेके सॉरी 4 लाख से लेके 1,25,000 साल पुरानी गुफाएं भी हैं, जो कहीं ना कहीं ओपन एयर साइट से हट के गुफाओं के अंदर थी। इन गुफाओं का मेन मकसद आप समझ सकते हैं, ये दक्षिण अफ्रीका के अंदर लेजरत केव है, जो कम से कम 12x4 मीटर समथिंग है। लेजरत केव आपको ये दिखाई दे रही है, ये कहाँ पे है, दक्षिण फ्रांस के अंदर, ये फ्रांस का हिस्सा है। और यहाँ पे दक्षिण साउथ के फ्रांस के अंदर ये लेजर्ड केव हमें देखने को मिलती है। अब यहाँ पे ये या तो भोजन बनाते होंगे या अपनी खाने पीने की जो वस्तुएं होती होंगी यहाँ पे छोड़ देते होंगे। तो कुछ ऐसे हमें सबूत देखने को मिलते हैं, जैसे अंडे के स्कल हो गए, पुरानी मछलियाँ हो गई, बीज हो गए, कुछ फल हो गए, वो सब हमें इनके अंदर देखने को मिलते थे। इवन यहाँ तक हमें देखने को मिला था कि टेरा माटा, जो टेरा माटा है, ये भी कहीं ना कहीं हमें फिल करने को मिलती है फ्रांस के क्या कहते हैं साउथ के अंदर। ये टेरा माटा एक जगह पड़ती है, टेरा माटा कहीं ना कहीं एक टेम्प्रेरी हाउस बोला जाता है, लकड़ी का टेरा माटा। ये टेम्प्रेरी हाउस ऐसा था जो उस समय पे लोग क्या कहते हैं, मान लो शिकार करते करते बहुत दूर चले जाते थे, और जब लोग शिकार करते करते बहुत दूर चले जाते थे तो उस समय पे ये लोग टेम्प्रेरी प्लेसेस बनाते थे जहाँ पे लोग एक रात रुक सके। तो ये वो सारे के सारे लोग हैं जो मॉडर्न अस्तित्व में आ चुके थे, ठीक है ना। तो सीजनल विजिट यहाँ पे होता था, लेकिन अगर परमानेंट बोले तो उस समय पे ये लोग क्या कहते हैं, परमानेंट हाउसेस में ये लोग केव का इस्तेमाल करते थे। और उसके साथ साथ प्राइमेट के जो लोग थे वो कहीं ना कहीं, प्राइमेट के जो लोग थे वो पेड़ों का इस्तेमाल करते थे। लेकिन प्राइमेट जो है वो 360 लाख साल पुराने लोग हैं, तो 360 लाख साल पुराने जो लोग हैं वो तो पेड़ों पे ही रहेंगे ना, 360 लाख साल पुराने लोग पेड़ों पर ही रहेंगे। लेकिन जब अस्तित्व में लोग आने चालू हो गए, तो लोगों ने या तो टेम्प्रेरी हाउस ढूंढने चालू करे या तो परमानेंट हाउस ढूंढने चालू करे। टेम्प्रेरी हाउस टेरा माटा था, और परमानेंट हाउस मैंने केव्स आपको बता दी, जो हमें इतनी सारी जगहें जैसे कि लेजरत केव जो है वहाँ देखने को हमें मिलती है। तो अब अगर इन केव के अंदर या परमानेंट या टेम्प्रेरी हाउसेस के अंदर अगर हमें आग के बारे में देखने को मिलता है, तो आग का इस्तेमाल किस लिए किया जाता होगा? गुफाओं के अंदर गर्मी और प्रकाश लाने के लिए, लकड़ियों को हार्ड बनाने के लिए, कोई औजार बनाना हो इसीलिए, खतरनाक जानवरों से बचने के लिए, और खाने को पकाने के लिए। तो क्वेश्चन मेरा दोस्तों ये है आपसे, आपको बताना है कि यूजेस ऑफ फायर किस सन में आया था, किस ईयर में, मतलब किस टाइम पीरियड पे, एक अप्रॉक्स फिगर जो है आपको बताना है कि किस टाइम पीरियड के बीच में आग का इस्तेमाल जो है वो आदि मानव के द्वारा, यानी कि ऐसा बोला जाता है जब शिकार करने चालू कर दिया था तो उसके बाद ही अस्तित्व में आए होंगे। तो आपको बताना है कि उस समय पे कौन सा टाइम पीरियड था जिस समय पे आग का इस्तेमाल किया गया होगा, कमेंट ज़रूर करिएगा इस पर। देन आप आगे चलते हैं मेकिंग ऑफ टूल्स। अब मेकिंग ऑफ टूल्स में एक चीज़ तो क्लियर थी कि प्राइमेट लोग जो हैं वो टूल्स नहीं बना सकते थे। क्यों? क्योंकि 56 लाख साल पहले जो व्यक्ति आए थे, 56 लाख साल पहले, वो थे होमिनॉइड, होमिनिड्स, वो थे होमिनिड्स, और होमिनिड्स की ही कैटेगरी बनी थी होमो के अंदर और एस्ट्रेलोपैथिकस के अंदर। आपको पता ही होगा फिर होमो की और कैटेगरियाँ बन के चली गई थी। तो कहने का मतलब है यहाँ पे लोगों का डेवलपमेंट काफ़ी अच्छा हो चुका था, और मेकिंग ऑफ टूल्स देखा गया तो होमिनिड्स के टाइम पीरियड पे ही देखा गया था। सो मेकिंग ऑफ द टूल्स, पत्थरों का, औजारों का निर्माण करने का सबसे पुराना सबूत हमें केनिया और इथोपिया की साइट से मिलता है। और ऐसा कहा जाता है कि सबसे पहले एस्ट्रेलोपैथिकस के लोगों ने उस समय पर क्या कहते हैं टूल्स बनाए होंगे। तो सबसे शुरुआती मनुष्य एस्ट्रेलोपैथिकस, और जो किसकी कैटेगरी के अंदर से आते हैं, होमिनिड्स की कैटेगरी से आते हैं, याद रखिएगा। होमिनिड्स कैटेगरी वही है जो 56 लाख साल पहले अस्तित्व में आई थी, लेकिन एस्ट्रेलोपैथिकस कैटेगरी वो है जो लगभग
30 से 25 लाख साल पुरानी कैटेगरी वहाँ पे थी। तो इन्होंने सबसे पहले हथियार बनाए थे, और ऐसा कहा जाता है कि लगभग 25,000 साल पुराने पहले जब मानव इतिहास था, जब मानव उपकरण आया था, तो इन लोगों ने काफ़ी हद तक टूल्स बनाए थे जो काफ़ी जानवरों के हथियार करने के लिए, जैसे भाला फेंकना, धनुष, तीर, ये सब उस समय बन चुका था। अब ऑस्ट्रेलोपिथेकस ने हथियार तो बनाए, लेकिन अपनी दिमाग के हिसाब से बनाए होंगे जैसा वो बना सकते थे, लेकिन 25,000 साल पहले तक मानव ने अपने उपकरण बनाने चालू कर दिए थे। भाला फेंकना, जिससे वो लोग फिश पकड़ सकते थे, तीर धनुष चलाना, जिससे वो लोग शिकार किया कर सकते थे, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो अब ऐसा कहा जाता है कि अगर उस समय पे पंच ब्लेड टेक्निक जो है अगर वो इस्तेमाल करती गई होगी तो कैसे, इसके ऊपर क्वेश्चन भी बनता है। तो छोटे छेनी जैसे उपकरण का उपयोग उस समय पंच ब्लेड की टेक्निक से शुरू करा गया था, जैसा कि आपको पिक्चर के अंदर दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे जो बंदा है ये ऊपर का हिस्सा तोड़ रहा है, देन ये हिस्सा तोड़ने के बाद ये सी बंदा जो है छेनी की तरह इस पर मार रहा है, और इससे फिर ये पंच ब्लेड टेक्निक कहलाती है। इससे नए जो हथियार है वो बनाए जा सकते हैं। इट इज़ नाउ पॉसिबल टू मेक इलेवरी वुड एंड एल्टर्स, है ना, ये सब बनाए जा सकते हैं, हाथी के दांत, लकड़ी के दांत, इन सब पे बनाना बहुत आसान था, जैसे उस समय पे टेक्नोलॉजी जो है देखी गई कि उस समय पे कैसे यूज़ करी जाती थी। देन आर नेक्स्ट पार्ट इज टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, लैंग्वेज एंड द आर्ट, यानी कि संचार के प्रकार, भाषा और कला। तो भाषा की अगर बात करी जाए तो मनुष्यों के अंदर ही एक ऐसी कला थी जो सिर्फ बोल सकते थे, कुत्ते, जानवर, हिरन, बकरी, कोई भी आप रैंडमली अपने आसपास के इलाकों में देखेंगे तो ये लोग नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हम लोगों की खासियत ये है कि हम लोग बोल सकते थे। तो होमिनिड, क्योंकि यही लोग तो सबसे ज़्यादा डेवलप हुए थे, तो होमिनिड ऐसा कहा जाता था कि इन लोगों ने इशारों में हाथ करके हिला के बात करने की कोशिश करी थी, और स्पोकन लैंग्वेज कहीं ना कहीं मोकल, मतलब स्पोकन लैंग्वेज पहले एमर्ज हुई थी, और वोकल बोलने वाली लैंग्वेज वो क्या कहते हैं नॉन वोकल से बहुत बाद में आई होगी। नॉन वोकल मतलब लिखने वाली लैंग्वेज जो थी वो बहुत बाद में आई होगी, और बोलने वाली स्पोकन लैंग्वेज अस्तित्व में क्या कहते हैं पहले आई होगी। तो नॉन वोकल, जैसे कि आप सेकंड चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे कि उसमें राइटिंग कल्चर कैसे एमर्ज होता है वो पढ़ेंगे, तो उससे पहले हमें स्पोकन लैंग्वेज जो है कहीं ना कहीं होमोनिड्स के थ्रू ही हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो ऐसा कहा जाता है कि शायद से होमोनिड से पहले भी प्राइमेट जो है बोलने की लैंग्वेज का इस्तेमाल करते तो होंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वो बुलाने के लिए, आवाज़ों से बुलाने के लिए, इशारों के लिए वो लोग उस समय इस्तेमाल करते थे ताकि सामने वाला बंदा समझ सके सिर्फ इशारों के लिए, लेकिन होमोनिड जो थे काफ़ी हद तक लैंग्वेज समझ चुके थे। एंड देन हम बात करेंगे कि बोली जाने वाली भाषा सही मायने में उभरी कब होगी, तो होमोहैबिलस, जो काफ़ी हद तक क्या कहते हैं होमोहैबिलस, जो होमो की कैटेगरी के अंदर से आते हैं, होमो की कैटेगरी से अंदर होमोहैबिलस लोग जो लगभग क्या कहते हैं 25 लाख मिलियन ईयर्स अगो, यानी कि 25 लाख साल पुरानी बात है, जहाँ पे होमो एबिलस जिनके दिमाग में कुछ ऐसी खासियत थी जो बोलने की संभावना इनके अंदर ज़्यादा थी। तो होमो एबिलस जो है उस समय पे क्या कहते हैं काफ़ी हद तक फिर 20 लाख का टाइम पीरियड देखा गया कि लोगों ने डेवलपमेंट कर दी, और लगभग 40 से 35,000 साल पहले तक लोगों ने काफ़ी हद तक स्थिरता से बोलना चालू कर दिया था। अब वो कैसे बोलते थे वो लैंग्वेज तो मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा रैंडमली डेटा साइंटिस्ट के थ्रू दिया जाता है कि 40 से 35,000 साल पहले बोलने की कला जो थी भाषा वो इस्तेमाल हो गई थी। देन हम बात करेंगे आर्ट की, तो आर्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर ही आता है, तो आर्ट भी एक ऐसा ज़रिया है जिससे उस समय पे हम टेक्नोलॉजी का एक हिस्सा बोलेंगे। ऐसा कहा जाता है कि फ्रांस के अंदर बहुत सी पेंटिंग देखने को मिलती है, जहाँ पर क्या कहते हैं चुवेट है, लेक्सिस है फ्रांस के अंदर, जहाँ पे स्पेन के अंदर अल्टामीरा है, ऐसी यहाँ पे जो पेंटिंग हमें देखने को मिलती है उससे ये पता चलता है कि उस समय पे पेंटिंग का कार्य एक सफल शिकार को बताने के लिए हुआ करता था कि अगर आपको शिकार करना है तो आप कैसे शिकार कर सकते हैं। ठीक है, तो पेंटिंग का काम होता था मैसेज फैलाने का एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, इससे ये स्पष्ट हो जाता था कि अगर आपको गुफाओं के अंदर ये पिक्चर मिलती है तो इसका कहने का मतलब है कि छोटे समूह में एक स्थान से दूसरे स्थान पे लोग क्या कहते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो कह सकते हैं हम शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं पिक्चरों के माध्यम से। ये गुफाओं के अंदर जब पिक्चर बनाते थे उनका कहने का मतलब यही होता था, एक तरीके की तकनीक, शिकार तकनीक जो है उसका ज्ञान दूसरे लोगों से साथ साझा करना, यानी कि बांटना। तो ज्ञान को बांटने का मेन काम उस समय पे यही था, जो उस समय पे
पेंटिंग के थ्रू होता था। अगर कोई उस समय पे ऐसे शिकार कर रहा है तो इसका मतलब हम समझ जाते थे कि हाँ कोई बंदा शिकार करके ये पेंटिंग के थ्रू बताना चाहता है कि अच्छा ऐसे शिकार होता था, तो शायद से हम लोगों को उस लेवल पे ही शिकार करना चाहिए। तो यही मैसेज जो आज की डेट में हम लोग पेन ड्राइव पिक्चर के माध्यम से दूसरों तक शेयर करते हैं, उस समय पे अर्ली टाइम पीरियड पे लोग क्या कहते हैं, ये फ्रांस के अंदर जो लेक्सस है और चुवेट जो जगह मिली है वहाँ पर सैकड़ों ऐसी पिक्चरें मिली हैं जो दिखाती है कि शिकार ग्रुप में कैसे किया जाता है, अकेले कैसे करा जाता है वगैरह वगैरह। तो इन पीढ़ी का मेन मकसद क्या होता था, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जानकारी पहुँचाना, यानी कि मीडिया का काम उस समय पर पेंटिंग किया करती थी। तो ये कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन का ही एक हिस्सा हो सकता है ना। एंड देन वीडियो का लास्ट पार्ट ये है कि हंटर गैदर्स इन द सोसाइटी, यानी कि बहुत सारे साइंटिस्ट जब वो इनकी स्टडी कर रहे थे तो उनका कहने का मतलब यही था कि क्या जो हंटर गैदर्स लोग हैं क्या इनके कंपैरिजन से हम अर्ली टाइम पीरियड पे उनकी लाइफ को कंपेयर कर सकते हैं जो अर्ली मनुष्य थे। तो साइंटिस्ट के अलग अलग मत थे। उनका कहने का मतलब ये है जो लोग क्या कहते हैं उस समय पे साइंटिस्ट, ये वो लोग होते हैं, इसको मानव वैज्ञानिक अध्ययन बोलते हैं। इसका मतलब यही है क्या कहते हैं उस समय पे जब हम डिफरेंट डिफरेंट जाति के रहन सहन के बारे में, उनकी टेक्नोलॉजी के बारे में, उनके जेंडर्स रोल रिचुअल्स के बारे में, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के बारे में, सोशल कस्टम के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो उस समय पे हमें ये समझ में आता है कि अगर हंटर गैदर्स की लाइफ के ऊपर फोकस करें तो शायद से हम होमोनिड जो है, होमोनिड जो सबसे पुराने हैं उनके कुछ ना कुछ उनसे रिलेटेड सबूत हमें 2 मिलियन ईयर्स अगो में जो एक झील है तुर्कमान झील, वहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसे हमें शिवर देखने को मिलते हैं जहाँ पे हजदा ग्रुप और क्वीन सेन ग्रुप इनके बीच भी कहीं ना कहीं ऐसे ही अभ्यास देखने को मिलते हैं जो कभी होमोनिड्स के लोग करते थे। तो यानी कि अगर हम हजदा ग्रुप और किंग सून ग्रुप जो है, कुंग सून ग्रुप, अगर इनके बारे में स्टडी करेंगे तो शायद से हमें होमोनिड के बारे में और भी पता चल सके। क्यों? क्योंकि होमोनिड के लोग भी शिकार किया करते थे और ये लोग भी शिकार किया करते थे। तो लोगों का ये कहना था, कुछ साइंटिस्ट का कहना यही था कि हमें ऐसी प्रैक्टिस इनके बीच में देखने को मिली है जो कभी होमोनिड्स के लोग करते थे। तो शायद से अगर हम इनकी जातियों के बारे में और इनके बारे में ज़्यादा स्टडी करेंगे तो शायद से हमें अर्ली मनुष्य के बारे में और डीपली जानकारी मिल सकती है। जबकि दूसरे जो साइंटिस्ट हैं और दूसरे आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि हम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत भेदभाव हमें देखने को मिलता है समाज को समझने के लिए। क्यों? क्योंकि जो हजदा ग्रुप है या कुंगशेन ग्रुप जो है, ये उस समय पे शिकार तो करते हैं लेकिन उसके साथ साथ ये लोग खेती भी करते हैं और उन खेतियों का काम क्या कहते हैं, ये लोग अपने अनाज को उगा के बेचने का भी काम किया करते थे, जबकि अर्ली मनुष्य ऐसा कुछ भी नहीं करता था। तो यानी कि आप देख सकते हैं कि दोनों के बीच में कितना ज़्यादा भेदभाव है विचारधाराओं को लेके, साइंटिस्ट का और आर्कियोलॉजिस्ट का जो इनके ऊपर रिसर्च कर रहे थे। तो और भी इनके ऊपर रिसर्च चल रही है कि कैसे अर्ली मनुष्य और कैसी कैसी एक्टिविटी करता होगा। सो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर इतना ही है। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। और मैंने पूरी कोशिश करी है कि वीडियो के कंटेंट को किताब तक सीमित रख के और साथ साथ आपको एक्स्ट्रा नॉलेज भी दें। तो कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। सो दिस इज इट। तो लास्ट में दोस्तों, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और ई पाठशाला चैनल के आप सब्सक्राइबर हैं या नए सब्सक्राइबर हैं तो ई पाठशाला की टीम से आप सभी को यही रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और कोशिश करें कि आप दूसरों को शेयर करवाने के लिए बोलें, क्योंकि आप जितना वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही हम और लोगों की मदद कर पाएंगे। क्योंकि पढ़ेगा इंडिया जब भी बढ़ेगा इंडिया। तो वीडियो के लास्ट में, वीडियो को एंड तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।